शादी की तैयारियां चल रही है एक तरफ, और एक तरफ मेरे घर पे, मेरे पति के घर पे मैं और रोहन जी तैयार हो रहे हैं, और मैं अनु के लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, अपनी ज्वेलरी में से कोई गिफ्ट सेलेक्ट कर रही हूँ उसके लिए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड, हम इतना महंगा गिफ्ट देना अफोर्ड नहीं कर सकते. और सिंस अलका के पास इतनी सारी ज्वेलरी है, उसको जो मिली थी शादी में प्लस खरीदी गई थी उसके लिए, तो वो ज्वेलरी में से वो इतनी सारी ज्वेलरियाँ नहीं पहनती है, तो वो सोच रही है कि रोहन जी के पैसे बचाएं और उन ज्वेलरी में से कोई एक ज्वेलरी गिफ्ट कर दे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हो गई हैं घर में. भाभी ने भी बहुत चीज़ें सुना दी हैं, दुकान भी हमारी नहीं है ये बोला गया है हमें, तो बहुत एक सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हमें. तो मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, पैसे बचाने के लिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ कि पैसे भी खर्च ना हो और गिफ्ट भी दिया जाए. अब तो फिलहाल बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि वीर जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उससे पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है. लेकिन अलका चाहती थी कि वीर से शादी हो, चाहती तो वैसे रजत से ही थी, लेकिन रजत की मॉम जो मिंटी आंटी हमारी, वो इतनी नेगेटिव हो गई हैं हमारी अनु के खिलाफ, हमारी अनु के लिए, कि अब ऐसा लगता है कि अनु की शादी अगर रजत से हो भी जाती है तो अनु को वहाँ कोई खुशी नहीं मिलेगी. तो अनु की खुशी के लिए इनडायरेक्टली हम चाहते थे कि वीर से शादी हो जाए, क्योंकि वो परिवार अच्छा है, हमें हमारे हिसाब से वो लड़का भी बहुत अच्छा था. तो अब खैर कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, एक तरफ प्यार है, एक तरफ फैमिली है अनुष्का के लिए, और मेरे लिए भी वही है कि देखा जाएगा अब जो होता है. वीर थोड़ा सा ग्रे शेड दिख रहे हैं उसके, तो लेट्स सी. आज जो सीन चल रहा है वो मेहंदी का है, और मेहंदी में कुछ धमाका होता है, वो धमाके के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता, वो आपको देखना पड़ेगा. बट कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा अनप्लेजेंट है सबके लिए, एंड उसके जिम्मेदार मैं हूँ. देखिए क्या होता है, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला मुझे. अभी तक जो मैंने प्ले किया है बीन वेरी सटल, बीन चार्मिंग, बट दिस गाय इज, ही टॉक्स अ लॉट, ही हैज हिज वे विद वर्ड्स, बहुत बातें करता है, अपनी बात मनवा लेता है, बहुत हाजिर जवाब है, तो इस तरह, और मुझे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, तो मुझे मज़ा आया ये प्ले करने में. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू प्ले समथिंग विच इज़ वेरी फ्रेश फॉर मी, आई एम एंजॉयिंग मायसेल्फ. अच्छा, जब मिले नहीं, जब ये पता नहीं होता कि ये लड़की इससे शादी, मेरा रिश्ता आएगा, एंड तब से वो पहली नज़र में प्यार हो जाता है, और उसके बाद वो प्यार बढ़ता रहता है, और वो यहाँ तक पहुँच गया कि यार वो शादी करना चाहता है, तो प्यार तो है. बस मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट आई एम हियर टुडे. And keep loving me. I love you guys. Thanks.